हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मसाला किचन रेसिपी। आज हम बनाएंगे ढोकला, जालीदार और स्पंजी ढोकला। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा ही ढोकला बनाना है तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखें तो आपका ढोकला भी बिल्कुल जालीदार और स्पंजी बनेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा जालीदार स्पंजी ढोकला। ढोकला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बेसन लिया, ये रेगुलर वाला बेसन है। मैंने 1 कप बेसन लिया है यहाँ पे और अब हम इसका बैटर बना लेंगे। इसका बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप ही छाछ लिया है और अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप। मैंने 1 चम्मच नमक डाला है यहाँ पे और थोड़ी सी, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डाली है। और अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे बिल्कुल कम से कम 5 मिनट के लिए। तो आप इसको फेंट ले, बिल्कुल फिट जाएगा तभी बिल्कुल अच्छा सा हमारा ढोकला बनेगा। एकदम स्पॉन्जी जालीदार ढोकला बनाने के लिए हमें इसको बहुत फेंटना है, तो आप कंटिन्यूअसली इसको फेंटे 5 मिनट और एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटे। तो देखिए मैंने इसको 5 से 6 मिनट फेंट लिया और अब हम इसको रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटा के लिए रख दें, नहीं तो इसको 10 से 15, 20 से 20 मिनट तो जरूर रखें। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, आप इसकी जगह कुकर भी ले सकते हैं, भगोना भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम पानी डाल लेंगे और एक जाली रख लेंगे अपना ढोकला को भाप में पकाने के लिए। तो देखिए इसको रखे हुए करीबन 1 घंटा हो चुका है और अब हम इसको थोड़ा सा एक बार और मिक्स कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और जैसा कि मैंने बोला था एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना। और यहाँ पे मैंने 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा का बिल्कुल यूज नहीं किया और 1 पाउच मैंने इनो का यूज किया है इसमें। इनो का पाउच आप बिल्कुल एंड में डालें, लास्ट में जब आपका कढ़ाई का पानी गर्म हो जाए और आप बिल्कुल रखने वाले हो ढोकला को, बिल्कुल लास्ट में डालना, पहले नहीं डालना। ऐसे मत करना कि हमारी कढ़ाई नहीं गर्म हुई और हमने इसमें डाल दिया। यहाँ पे मैंने केक टिन लिया और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छे से। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई डोंगा भी ले सकते हैं इसकी जगह। और ये देखिए मैंने इसमें डाल लिया अपना बैटर और ये मैंने जैसा कि बताया आपको बिल्कुल लास्ट में डालना है इसमें इनो। और अब हमारा पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर इसको रख देंगे और कम से कम हम 15 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पर रखेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल कम नहीं करना है यहाँ पे, 15 से चाहे 16 मिनट हो जाए अब इससे पहले इसको मत निकालना, नहीं तो हमारा कच्चा रह जाएगा ढोकला। हम इसको नाइफ से चेक करके देख लेंगे। तो देखिए हमारा नाइफ एकदम क्लीन निकला, तो इसका मतलब हमारा ढोकला पक गया। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, ऐसे ही रख के निकालेंगे नहीं अभी उसको। और इसके लिए अब हम मिर्च रेडी करेंगे, इस पर डालने के लिए जो हमारा मिर्च वाला पानी होगा उसको रेडी करेंगे। इसके यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया और 1 चम्मच मैंने सरसों लिया और ये मैंने 10 से 15 करी पत्ता लिया। इनको थोड़ा सा भून लेंगे और इसके साथ ही हम पानी ऐड कर देंगे। आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। इसमें सब टेस्ट आने वाला है। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें और ये 1 नींबू का जूस डाला है और ये हरी मिर्च 3 से 4 मैंने इनको स्लेट कर लिया था बीच में से। और इनको 2 मिनट पकने देंगे हम, जब तक एक उबाल आ जाता है इसमें, जिससे कि मिर्च के अंदर एक खट्टा मीठा नमकीन टेस्ट आ जाए और जिससे कि हमारी मिर्च और टेस्टी लगे। हमने इसके अंदर नमक, चीनी, नींबू सब डाला है। बस इनको थोड़ा मिक्स करते हुए हम पका लेंगे इस पानी को। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बनने वाला, बहुत ही टेस्टी लगने वाला ढोकला, बिल्कुल लगेगा ही नहीं जैसे हमने घर में बनाया। और हमारा पानी रेडी हो गया, अब हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना ढोकला देखते हैं। हमने इसी के अंदर छोड़ दिया था इसको 10-15 मिनट के लिए और अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं इसने किनारों को पहले से ही छोड़ दिया बिल्कुल अच्छे से, हमें ज्यादा हटाने की जरूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल अच्छे से निकल गया। और हमारा केक टिन भी बिल्कुल क्लीन है, ये बिल्कुल नहीं चिपका कहीं पे भी। और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए कितना स्पॉन्जी, कितना जालीदार बना है, ये दिख लग रहा है ना एकदम, इसके अंदर कितनी एयर पॉकेट्स आई हैं। अब हम इसके छोटे पीसेस कट कर लेंगे।
और अब हम इसके अंदर ये वाली हरी मिर्च का वाला पानी डालेंगे, जिससे कि थोड़ा ड्राई ना लगे, खाने में थोड़ा अच्छा लगे और दिखने में भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको जरूर ट्राई करें, मैं तो यही कहूंगी। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका ढोकला कैसे बना, आपका बना जालीदार। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखें आप, तभी आपका ढोकला बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, जालीदार और स्पॉन्जी। फ्रेंड्स, अगर आपके रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस जरूर